दुनिया में एक ऐसी जगह जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि नहीं की है, एक ऐसी शहर जो कि शिव जी की त्रिशूल के धार पर टिकी हुई, जी हाँ आप लोग तो मालूम पड़ गया होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं शिव पार्वती की सबसे जो फेवरेट जगह है, जो प्रिय जगह है, प्रिय शहर है, वो है काशी, वाराणसी की काशी। क्या है काशी का रियल स्टोरी, हिस्ट्रिकल एंड पौराणिक कहानी, उसकी चर्चा हम करेंगे। प्लीज वीडियो में बने रहिए। काशी विश्वनाथ की जो शिवलिंग है, ये स्वयंभू है, इनको किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद ही जमीन से निकले हैं। जमीन से 40 फीट के नीचे उनको रखा गया है, और उन जबकि हमले से बचने के लिए, तब से वैसे ही है। इसके आसपास भी घर बनाए गए थे। शिवलिंग के ऊपर जो औरंगजेब का जो हमले के टाइम में जो निशान बना था, वो आज भी मौजूद है। पिछले हजारों सालों में चार बार काशी विश्वनाथ के ऊपर हमला किया गया है, उनको फूल मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये नहीं मुमकिन हो पाया। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त करने के लिए फूल कोशिश की थी। उसके 100 साल बाद एक गुजराती व्यापारी ने मंदिर का पुनर्निर्माण किए थे। सेकेंड टाइम में जौनपुर की एक सुल्तान ने, महमूद शाह ने, 1447 को हमला करवाए थे। उसके बाद 1585 में अकबर के जो नवरत्न थे, उनमें से थे टोडरमल, वो मंदिर का पुनर्निर्माण किए थे। फिर 1642 को शाहजहां ने काशी विश्वनाथ को मंदिर को ध्वस्त करने के लिए फूल प्लानिंग किए थे, लेकिन ऐसे हिंदुओं ने करने नहीं दिया, इसलिए वो गुस्से से आके काशी में जितना छोटे छोटे मंदिर सभी थे, 300 मंदिर को वो फूल ध्वस्त कर दिए थे। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, और उधर 11वीं मस्जिद का मतलब बनाए थे उसी दिन। उसके बाद 1780 को इंदौर में एक मराठा शासक थे, अहिल्याबाई होलकर ने इसको पुनर्निर्माण किए। ये जो मंदिर अभी आप देख रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि यूपी के वाराणसी में है, गंगा नदी के किनारे। वाराणसी का जो पुराने नाम पहले काशी ही था, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव एवं माता पार्वती की जो विवाह हुआ, विवाह संपन्न होने के बाद वो दोनों भ्रमण के लिए निकल गए थे। ऐसे घूमते घूमते माता ने शिव जी से बोले, प्रभु आप मेरे लिए ऐसी वन का रचना कीजिए जो ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि नहीं की हो। तो भगवान शंकर ने आसमान पर 5 कोस लंबाई, 5 कोस चौड़ाई का एक सुंदर नंदनकानन का निर्माण किए थे, जो कि माता को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और माता बोली थी, मैं चाहती हूँ, मैं जो आनंद ले रही हूँ, अगर धरती पर कोई भी मानव दुख कष्ट मुक्ति पाना चाहता है, ये आनंद लेना चाहता है, तो इधर आएगा तो वो सुख प्राप्ति हो। तो भगवान शंकर उनको तथास्तु बोले थे, इसलिए भगवान विष्णु को आदेश दिए थे, आप कुछ काल के लिए इधर तपस्या कीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु ने उधर तपस्या किए थे, तब से ये जगह मुक्ति का केंद्र बना है। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र में एक कुंड बनाए थे, वो जब तपस्या करते थे उनको पसीना आता था, वो पसीना वो कुंड में गिरता था, वैसे पसीना गिरते गिरते वो कुंड फूल होके फूल आसमान में फैल गया था। ये देख के भगवान शिव ने आश्चर्य हो गए, और वो पंचकोशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल के धार पर धारण कर लेते। जब तपस्या खत्म हुआ, जब भगवान विष्णु ने ये देखे, तब वो भाव विभोर हो गए थे, और खुशी से वो अपना सर हिला गए थे, जिसके कारण उनके कान पर एक कुंडल था जो पहने हुए थे, वो कुंडल इसी कुंड पर गिर गया था, जो कि अभी भी है, और उसका नाम है मणिकर्णिका कुंड, वो बहुत ही फेमस है। माता सती की इच्छा के अनुसार भगवान शंकर ने ये जगह को धरती पर स्थापित कर दिए हैं, जो कि आज वाराणसी के नाम पे जाना जाता है। भगवान विष्णु बोले थे, जब तक शिव पार्वती स्वयं के रूप में निवास नहीं करेंगे, तब ये काशी सुनी रहेगी, और तब से दोनों शिवलिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं, विद्यमान है। माता पार्वती में शिव कोई जो ज्योतिर है, उनमें से बनी है काशी विश्वनाथ। जब प्रलय आता है, तब शिव इसको धरती से लेके अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, और जब प्रलय खत्म हो जाता है, तब फिर से धरती पर स्थापना कर देते हैं।
साल में एक बार वो हिमालय से इधर आते हैं कुछ काल के लिए रहने के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार वरुण एवं अस्सी नदी की दो किनारे ये बसने के कारण इसका नाम काशी है। इसके एक साइड में गंगा नदी भी है। गंगा नदी की जो आरती है ये फुलवारल फेमस है, वो देखने लायक है। वो शाम के टाइम में आप जाएंगे तो मतलब अपनी आत्मा फुल खुश हो जाएगी, दिल फुल खुश हो जाएगी। काशी विश्वनाथ सत्ययुग से लेकर कलयुग तक भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं कि मानने वाले लोगों के कान पे भगवान शिव तारक मंत्र कहते हैं, इसके कारण उनको मोक्ष प्राप्ति मिलता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शनि ने काशी आए थे भगवान शिव से दर्शन करने के लिए, और बाहर वो 7.5 साल से इंतज़ार किए थे, इसलिए मंदिर के बाहर शनि भगवान का मंदिर भी है। इसलिए कहते हैं जो भगवान शनि ने खुद इंतज़ार किया भगवान शिव का, इसलिए जो एक बार काशी जाता है वो शनि दोष से पार हो जाता है। 1853 में राजा रणजीत सिंह ने 1000 kg गोल्ड देके ये मंदिर को बनाए थे, मतलब सोना देके। ये मंदिर के पास भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल पर एक कुआं बनाए थे, जिसका पानी पीने से ज्ञान मिलता है, भक्ति मुक्ति मिलता है, इसलिए इसको ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे बहुत सारे घाट है, वो देखने लायक है। हर हर घाट का एक एक कहानी है। उनमें से एक 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, 200 अश्वमेध घाट। मणिकर्णिका घाट वो फेमस है, वो उधर दफनाने के लिए, जलाने के लिए सबको। और 200 अश्वमेध घाट वही घाट है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने 10 जोड़ी अश्व को बलि चढ़ाए थे यज्ञ के द्वारा। इधर का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि काशी वाराणसी से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आप अगर चेन्नई सेंट्रल से आते हैं या बैंगलोर से आते हैं तो आपको आने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और रेलवे स्टेशन से, मतलब वाराणसी रेलवे स्टेशन से ये जो मंदिर का डिस्टेंस है मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर है। आप 500 रुपये में भी इधर लॉज ले सकते हैं। अगर 2 दिन का प्लान करते हैं वाराणसी को छोड़ के सारे आसपास में जितने जगह है घूम सकते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।